नमस्कार, डीपी की न्यूज देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ में जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नागौर में बीजेपी नेताओं ने किए नारायण की जीत के दावे, फिर से चुनाव को हनुमान बेनीवाल की इज्जत से जोड़ा। अब की बार ट्रंप सरकार पर राहुल का तंज, पीएम मोदी को कुर्ती सिखाए विदेश मंत्री। ओसिया के निकटवर्ती चुराई गांव में अवैध बूचड़खाने के संचालन से ग्रामीण और व्यापारियों में भारी आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। खिवसर विधानसभा उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी उम्मीदवार नारायण बेनीवाल ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन सभा में सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री, विधायक और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता नजर आए। नामांकन सभा के मंच के नारायण की जीत के दावों के साथ कांग्रेस के खिलाफ जमकर बयानबाजी की गई। नामांकन सभा शक्ति प्रदर्शन के साथ राजनीति का अखाड़ा बनकर आया। कई नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो कुछ ने इस चुनाव को सांसद हनुमान बेनीवाल की इज्जत से जोड़ते हुए जीत अनिश्चित बताई। नामांकन सभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देशद्रोहियों को पाला है, प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने जनता को धोखा दिया है। कर्ज माफी का वादा किया लेकिन इतने किसानों का कर्ज माफ किया गया। केंद्र के किसानों के लिए योजना शुरू की गई लेकिन केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड तक नहीं भेजा। इस पर हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता और हरियाणा और महाराष्ट्र में बताई। साथ में कहा कि गजेंद्र सिंह खिवसर और हनुमान बेनीवाल एक मंच पर आए हैं जहां से खिवसर जीतना तय है। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा प्रधानमंत्री के अब की बार ट्रंप सरकार के नारे पर आई सफाई के बाद राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि अब की बार इस पर काम करते रहे और प्रधानमंत्री को थोड़ी बहुत कूटनीति के बारे में सिखाए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि एस जयशंकर जी का धन्यवाद जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्षमता को छुपा दिया। उनके इस तरीके के समर्थन ने भारत के लिए डेमोक्रेट्स के साथ संबंधों पर सवाल खड़े किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके हस्तक्षेप से अब ठीक हो जाएगा। इस पर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें पीएम को कूटनीति के बारे में भी सिखा दीजिए। राहुल गांधी ने ये ट्वीट तब किया जब अमेरिकी दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की सफाई आई है। दरअसल जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाउडी मोदी में अब की बार ट्रंप सरकार के नारों के इस्तेमाल पर सफाई दी है। खबरें पाली के देसूरी से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में महिला और बाल विकास के द्वारा देसूरी में चारों सेक्टर स्तरीय पोषण मेले का आयोजन किया गया। आयोजन की अध्यक्षता देसूरी उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत ने की और मेले में अतिथि के रूप में देसूरी सरपंच प्रवीण कुमार भी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी, पोषण युक्त आहार देने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के द्वारा चलाए जा रहे पोषण कार्यक्रम की जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगियों को विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने को लेकर बात कही। वहीं देसूरी कस्बे में रैली निकालकर महिलाओं और चारों सेक्टर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्मित विभिन्न पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। मेले में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी अदा की गई। ये तो हरी सब्जी खानी चाहिए, पीले फल खाने चाहिए, इससे विटामिन मिलता है और इसको जो ये पोषण मिलता है तो इसको बना के खाना चाहिए। बहुत पौष्टिक होता है इससे। जैसे लड्डू बनाओ, जैसे ऐसे भजिए बनाओ, जैसे रोटी बनाओ, ऐसे सीरा बना के भी खा सकते हैं, लड्डू बना के भी खा सकते हैं। इससे अधिक व्यंजन बन सकता है जो तरह तरह के होता है सर। कुपोषित दूर करने के लिए पोषण आता है, इसको ये अलग अलग तरीके से बना कर रखे खाना चाहिए। एक तरीके से नहीं खाना चाहिए, एक तरीके से खाओगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। और अलग जैसे व्यंजन अलग अलग बना के खाओ, इससे आटे के सब बनते हैं। इसमें सोयाबीन डाला जाता है, चने की दाल डाली जाती है, गेहूँ सेके हुए है, तेल है, चक्कर है, ये सब इस 930 की थैली में और 750 की थैली में, दोनों में ये सब चीज़ें मिली मिक्स कर देती है। तो हम यही कहते हैं सबको कि भाई आप लोग ये चीज़ खाओ और कुपोषित बच्चे और जो कुपोषित माँ है। अगली खबर जोधपुर के भिलाड़ा से, जहां एक सप्ताह पूर्व एक नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए लड़का व लड़की दोनों को मुंबई से दस्तयाब कर लिया है।
नाबालिग लड़की को भगाने के बाद में धर्म परिवर्तन, यौन शोषण के आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने बिलाड़ा बंद कर दिया और 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस अधिकारी मनीष देव ने बताया कि दोनों को मुंबई से दस्तयाब करके बिलाड़ा ले आया है। लड़की के बयानों के आधार पर पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी जाएगी। वहीं लड़की के मेडिकल के बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में याचिका के बाद में पुलिस को 4 अक्टूबर को अदालत में कार्यवाही के साथ पेश होने के आदेश भी दिए गए हैं। पुलिस टीम द्वारा भगवैया नाबालिग लड़की और आरोपी दोनों को अथक प्रयास करते हुए दस्तयाब किया गया। तत्पश्चात उनको बिलाड़ा थाना पर लाकर उनसे पूछताछ की गई। पीड़िता के बयान नियमानुसार लिए जा रहे हैं। तत्पश्चात मेडिकल करवा कर और बाल कल्याण समिति के समक्ष उसे पेश किया जाएगा। उसके बाद जो भी तथ्य अनुसंधान के दौरान सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मैसेज वायरल हो रहा बालिक या नाबालिग का, इसका क्या चक्कर? उस संबंध में हमने विद्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया है। जोधपुर जिले के ओसिया कस्बे से 30 किलोमीटर दूर चिराई गांव के बाजार से आधा किलोमीटर दूर नाड़ी की पाल में झाड़ियों के बीच पिछले कुछ समय से अवैध बूचड़ खाने का संचालन किया जा रहा है, जिसकी किसी को कानों तक खबर नहीं थी। गौरतलब है कि यहां से गुजरते हुए कुछ स्कूली बच्चों ने रास्ते में मांस के बिखरे हुए टुकड़े पाए तो उन्होंने बाजार में जाकर ग्रामीणों को इस बात की सूचना दी, जिस पर ग्रामीण और व्यापारी मौके पर आए तो उन्होंने नाड़ी की पाल से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में पशुओं को काटने और खाल सुखाने की जगह देखकर आक्रोशित हो गए। थोड़ी देर में देखते देखते व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिया और सभी एक जगह एकत्रित हो गए और ग्रामीणों ने रोष जताते हुए हाईवे जाम करने की चेतावनी तक दे डाली और धरने पर बैठ गए। इसी संबंध में ग्रामीणों ने झाड़ियों के बीच बनाए गए एक कमरे में 2 लोगों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी, जिस पर थानाधिकारी बाबूराम डेलू में जाप्ते मौके पर पहुंचे और पुलिस ने पाल में बने हुए कमरे में मांस व हथियार जब्त करके हरियाणा निवासी सुखबीर और एसुकदेव बेलदार को गिरफ्तार किया और पुलिस के द्वारा कमरे को सीज किया गया, जिसके बाद में व्यापारी और ग्रामीण शांत हुए। थानाधिकारी डेलू ने बताया कि कमरा ओरन में होने के कारण मामले की जाँच वन विभाग को सौंपी गई है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि कमरे के आसपास मांस के टुकड़े, जानवरों की खाल और हड्डियां मिलने से लग रहा है कि कई दिनों से यहां पर अवैध बूचड़खाना खुला हुआ है। वहीं घटना को लेकर क्षेत्र के वन्यजीव प्रेमियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। चेराई के पास में ये जो खाली जगह है वहां पर 2 व्यक्तियों द्वारा बकरा काट कर अवैध रूप से मीट बेचने की सूचना मिली थी, जिससे मौके पर पुलिस गई थी और 2 व्यक्तियों को वहाँ से दस्तयाब किया और काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, जिसपे 2-3 बकरे और जिंदा थे। उनको गांव वालों ने कहा कि इनको सुपुर्द किया जाए किसी बकरिया पालन संस्था को। इसके संबंध में गांव वालों से तो राय शुमार और की जा रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देह में विद्यार्थियों और गुरुजनों ने विद्यालय परिसर में सफाई की व्याख्या। पुखराज खत्री ने स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहा कि हमें स्वस्थ भारत बनाने के लिए स्वच्छता बनाए रखनी जरूरी है। ये कार्य स्वयं से शुरू करना होगा, तभी गाँव स्वस्थ होंगे और देश स्वच्छ बनेगा। संस्था प्रधान रामेश्वर लाल छगानी ने सभी विद्यार्थियों को स्वच्छता अपनाने की सलाह दी। इस मौके पर सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। 2 अक्टूबर को विद्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। बहुत सी सुविधाएं कराई है और हम इनसे कहते थे तो ये उस सुविधा, हम इनसे जब शिकायत करते थे कि हमें ये चाहिए तो ये वो सुविधा उपलब्ध कराती थी। इन्होंने हमारे स्कूल में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराई और क्लास में पंखे की सुविधा उपलब्ध कराई और इन्होंने स्कूल में वाटर कूलर भी लगवाया। आपको कैसे मालूम चला? मैम का स्थानांतरण रुकवाने के लिए ये ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि ये मैम बहुत अच्छी हैं और हमारे स्कूल में बहुत सारी सुविधाएँ कराई थी मैम ने और हमें हमें क्लास में लड़कियां बता रही थी कि मैम का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए हम मैम का स्थानांतरण रुकवाने के लिए। अभी जैसे आपने किसको पत्र लिखा? अगली खबर है अलवर जिले के नारायणपुर से, जहां कस्बे में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर में सपना यादव के स्थानांतरण के आदेश हो जाने के बाद विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा प्रधानाचार्य के तबादले को रुकवाने के लिए जिला कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखकर
ज्योति, सपना, प्रियंका सहित अनेक बालिकाओं ने बताया कि सोमवार को सुबह कक्षा कक्ष में विद्यालय में पुरुष प्रधानाचार्य लगाए जाने की चर्चा हो रही थी। इस पर बालिकाओं ने प्रधानाचार्य सपना यादव के कार्य से संतोषपूर्ण और पूर्ण निष्पक्षता तथा मेहनत से कार्य करने, नामांकन बढ़ाने में अग्रणी कार्य करते हुए बताते हुए छात्राओं ने प्रधानाध्याचार्य का तबादला रोकने के लिए बाल संघर्ष समिति अध्यक्ष मोहनदास महाराज, श्री कृष्ण ग्रामीण विकास समिति सचिव सुनील कुमार शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि सुभाष सोलंकी सहित ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना पर ग्रामीण बड़ी संख्या में बालिका विद्यालय पहुंचे और बालिकाओं की समस्याएं जानी, जिसमें बालिकाओं ने बताया कि प्रधानाचार्य के तबादले को रुकवाया जाए, यदि किन्हीं कारणों से तबादला नहीं रुकता तो यहां पर महिला प्रधानाचार्य ही लगाए जाए ताकि हम स्वतंत्र रूप से उनकी बात अपनी बात को उनके सामने रख सके। इस मांग को लेकर विद्यालय के करीब 175 बालिकाओं ने स्वलिखित पत्र जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर को ग्रामीणों के माध्यम से भिजवाया। प्रधानाचार्य का तबादला रोकने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच निर्मल देवी, जिला पार्षद संजना सैनी, बाल संघर्ष समिति श्री कृष्ण, शिक्षा और ग्रामीण विकास समिति के द्वारा जनप्रतिनिधियों ने बालिकाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम आला अधिकारियों को ज्ञापन देकर प्रधानाचार्य का तबादला रोकने व अन्य किसी महिला प्रधानाचार्य को लगाने की मांग की है। भीलवाड़ा शहर में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान ने आज सुबह 10:55 पर पद ग्रहण किया। इस दौरान पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा, डिप्टी CMHO डॉक्टर घनश्याम चावला, जिला RCH अधिकारी CP गोस्वामी, जिला औषधि प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार खटवानी, रफीक बेग सरफराज खान, चिकित्सा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, परिवारजनों और मित्रगण भी उपस्थित रहे। CMHO खान ने बताया कि फ्लैगशिप योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और इस बार अधिक बारिश होने से मौसमी बीमारियों के बचाव के अधिक प्रयास किए जाएंगे। सुमंगल सेवा संस्थान ने CMHO खान को कपड़े का थैला भी दिया। खबरें चित्तौड़गढ़ के राशमी से, जहां कस्बे के वार्ड नंबर 11 में चल रही लंबे समय से समस्याओं के समाधान हेतु ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को अवगत कराया, जिस पर ग्राम विकास अधिकारी ने इसके निराकरण हेतु वार्ड पंच मांगी देवी, माली पत्नी भोनीराम माली के पास स्वयं के मकान को तोड़कर मकान के पास कच्चा नाला निर्माण कराने का निर्णय लिया, जिस पर वार्ड पंच पति भोनीराम माली ने ग्राम विकास अधिकारी मदन मोहन भाटी के निर्देश पर अपने स्वयं के मकान को तोड़वाकर JCB मशीन को प्रवेश का रास्ता दिया, जिससे वार्ड की समस्या का निराकरण हुआ और वार्ड नंबर 11 के मकानों के पीछे कच्चा नाला निर्माण शुरू हुआ। इस दौरान वार्ड पंच मांगी देवी माली, भोनीराम माली, सत्यनारायण सोनी, राजू पूर्विया सहित कस्बे के कई व्यक्ति उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी में ही जिले के अलवा माता शक्तिपीठ पर हरिवंश कीर समाज की बैठक अलवा माता चौकला अध्यक्ष उदयलाल कीर, अलौद कीर समाज जिलाध्यक्ष धर्मराज कीर, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष गहरी लाल कीर, बगदी राम कीर, नपावली शिक्षक भवर लाल कीर आदि के आदित्य में आयोजित की गई। कीर समाज जिला प्रवक्ता हरिमराज कीर ने बताया कि बैठक में सर्वप्रथम आय व्यय का द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद में एल्वा माता में कीर माता कीर समाज की धर्मशाला हेतु एल्वा माता चौकले से प्रत्येक परिवार को 500 रुपए उगाई रखी, जो कि एक माह के अंदर एल्वा माता कीर समाज धर्मशाला समिति के पास जमा करवानी होगी। साथ में प्रत्येक अमावस्या को एल्वा माता चौकला की बैठक निर्माणाधीन धर्मशाला पर आयोजित की जाएगी और बैठक में सामाजिक कुरूतियों को मंथन करते हुए अंकुश लगाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान गोपी लाल कीर, बाबरू लाल कीर, धनराज कीर, रामलाल कीर, भैरूलाल कीर सहित समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दिनांक 30 सितंबर को थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ के पोस्टिंग होकर पधारे KL मीना मुख्य अभियंता व STPS कॉलोनी गेट पर डॉक्टर BR अंबेडकर अनुसूचित जनजाति समिति के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। समिति संरक्षक PR बाकोलिया, रोहितास कटेला आदि सैकड़ों की संख्या में पधारे समिति सदस्यों ने बुके देकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्य अभियंता ने सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए सभी कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदेश के जैसलमेर जिले में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन जैसलमेर के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सैनी के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता कार्यालय जैसलमेर और जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करके तकनीकी कर्मचारियों के हितार्थ के लिए 3 सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए ज्ञापन दिया गया।
इसी के साथ इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।